इनके लिए पहला जी रिश्ते नहीं है, इसलिए आई कैन अंडरस्टैंड. हाँ, हमारे लिए पहला जी रिश्ते अवार्ड है. सो या वी आर एक्साइटेड एंड हम हमारे फिंगर्स क्रॉस हैं, क्योंकि हम हमारी पूरी फैमिली को एक साथ स्टेज पर देखना चाहते हैं. सो वी आर विशिंग के वी आर टुगेदर. डेफिनेटली एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है एंड इन फैक्ट हम सब जी से जुड़े हुए हैं काफ़ी लंबे समय से. बचपन में जी देखा करते हैं, अब जी में काम करते हैं, तो इट इज़ डेफिनेटली अ वेरी ओवरवेलमिंग फीलिंग. और जश्न तो हमारा 15 दिन पहले से शुरू हो गया है, अब चल ही रहा है, तो हम खुश हैं, बहुत एक्साइटेड हैं. हम खुशियाँ मना के आए हैं, यहाँ खुशियाँ मनाने आए हैं. गर्ल्स ये गाना गाने वाली है, बहुत अच्छी सिंगर है. हाँ, हमारी दामिनी बहुत अच्छी सिंगर है और हमारे मैम भी बहुत अच्छे सिंगर है. आई हैव टू से दैट वी हैव अ वेरी क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक फैमिली, वेरी टैलेंटेड परिवार. यस, टू लाइंस टुगेदर. आई हां कोरस टुगेदर. चलो डार्लिंग लेट्स सिंग. नाइस वॉइस बाय द वे. शो का टाइटल क्या होगा? राधा मोहन, राधा मोहन, यही है शो का टाइटल. यू स्टार्ट विल. हाँ हाँ, यू स्टार्ट विल जॉइन. डार्लिंग आंखों से आंखें चार करने दो, डार्लिंग आंखों से आंखें चार करने दो, रोको ना मुझको प्यार करने दो. बेकैफ है बाहर बेचैन जाने यारा, बुलबुलों को अभी इंतजार करने दो, डार्लिंग आंखों से आंखें चार करने दो. सी व्हेन वी से वी प्रूव इट दैट वी आर गुड सिंगर्स. वैसे इंसानों की एक्सपेक्टेशंस तो कभी कम होती नहीं, तो हम तो चाहेंगे कि सारे के सारे हमें मिल जाए. हाँ, हम क्यों कम एक्सपेक्ट करें भाई. हाँ, सारे हमको ही दे तो हम डिजर्व करते हैं, वी आर वेरी गुड. बट फ्रॉम द बॉटम ऑफ आर हार्ट्स वी एक्चुअली समवेयर आर रूटिंग कि अगर हमारे परिवार को जी सबको अवार्ड मिले और हम सब मिलके स्टेज पर जाए, वो बहुत खुशी की बात है हम लोग. वो फील ही अलग होती है जब सारा परिवार एक साथ चल के सबके सामने खड़ा होता है. बहुत कुछ है. जब हमने आपको इतना एंटरटेन किया है और इतना एक्साइटमेंट दिया है हर एपिसोड में, तो डोंट वरी, द पैकेज इज स्टिल मोर स्ट्रॉन्गर, मच बेटर. थैंक यू, थैंक यू. बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, क्योंकि आई गेस इज द फर्स्ट टाइम
मैं ये अवार्ड फंक्शन अटेंड कर रहा हूँ। ऑल्दो मैंने जी के साथ मेरा एसोसिएशन जो है वो बहुत पुराना है, कई सारे शोज कर चुका हूँ मैं, दिस इज द फिफ्थ शो दैट आई एम डूइंग, पर हाँ मुझे पहली बार फुल फ्लेज आने का मौका मिला है। और इससे स्पेशल बात मेरे लिए नहीं हो सकती क्योंकि जी इस बार 30 साल अपने कंप्लीट कर रहे हैं, सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड हम्बल्ड। ऑब्वियसली बहुत खुशी होती है, हर कोई एक्टर चाहता है कि उसे एक्सेप्ट किया जाए और उसे प्यार दिया जाए। बेसिकली हर एक एक्टर जीता ही उस चीज़ के लिए कि, और वो ही चाह रहा होता है हमारे लिए। तो जब ऑडियंस ने मुझे एक्सेप्ट किया एज अर्जुन सूर्यवंशी, सो आई वाज वेरी रियली वेरी हैप्पी एंड आई फील ब्लेस्ड कि वो मुझसे इतना प्यार करता है। येस आई एम नॉमिनेटेड फॉर बेस्ट एक्टर, फेवरेट जोड़ी, फेवरेट शो एंड नया सदस्य। मुझे ऐसा लगता है शायद नया सदस्य मिलना चाहिए, शायद, आई डोंट नो। इतनी कुछ मस्ती करने वाले हैं आपके, आपके फेस एक्सप्रेशन से लग रहा है बहुत ही एक्साइटेड हैं आप, इतनी कुछ मस्ती करने वाले हैं अंदर। मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ, नर्वस भी हूँ, थोड़ी सी एंग्जाइटी भी हो रही है क्योंकि मुझे नहीं पता कि एक्चुअली में क्या होने वाला है, बट इतना श्योर है कि जो भी होगा यू नो आई विल गो ऑल आउट, खूब सारी मस्ती करूँगा और जितना इम्प्रॉम्प्टू हम चीज़ें कर सकेंगे स्टेज पे वो करेंगे। और आई हैव हर्ड कि यू नो पिछले जी रिश्ते अवार्ड्स में भी बहुत सारी मस्तियाँ हुई हैं वगैरह, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। आपके कपड़ों के बारे में बात करें तो काफी अच्छा लग रहा है ये आपके ऊपर, क्या सोच के मतलब ये पहना है, क्या मतलब है? एक्चुअली हमारे शो का जो थीम था वो ग्रे था, सो दैट इज़ व्हाई आई एम वेयरिंग ग्रे स्ट्राइप्स, ग्रे एंड ब्लैक स्ट्राइप्स। और स्ट्राइप्स मुझे बहुत पसंद है पर्सनली, वाइट एंड ब्लैक स्ट्राइप्स मैं बहुत ज़्यादा पहनता हूँ, सो ये मुझे अगेन स्ट्राइप्स पहनने का मौका मिल गया एंड प्लस आई एम वेयरिंग भरत एंड रेशमा, सो द क्रेडिट गोज टू देम। और मुझे ये सूट बहुत ही अच्छा लगा, देखते ही मुझे अच्छा लग गया, सो इसलिए मैंने जैसे ही इसको देखा इसे डन कर दिया। थैंक यू, थैंक यू। वेल इन कुंडली भाग्य द कैरेक्टर ऑफ राखी बहुत ही पॉजिटिव मदर है और इमोशनल है, तो आज मैंने अपने आप को थोड़ा सा चेंज देके आई सेड लेट मी मॉडर्नाइज माई सेल्फ बीइंग इंडियन स्टिल, तो थोड़ा सा अपने लुक के साथ प्ले किया है, तो आई होप यू गाइज लाइक इट। Oh yes, I wish ZTV a very happy 30th anniversary. Bhagwan kare that they reach the highest levels in life. Ye 30 Bhagwan kare aur zyada bade and I'm looking for a century very soon. सच कहूँ तो बहुत इमोशनल होती हूँ जब मुझे मैसेजेस आते हैं और मेरे फैंस कहते हैं कि वी लव राखी माँ, बिकॉज़ मेरा इमोशंस जो मैं किरदार निभा रही हूँ वो मुझे एक्चुअली ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि असलियत में इन रियल लाइफ मैं वाकई में बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ। तो आई फील अब जो मेरा किरदार अर्जुन के साथ निखर के आया है एक माँ का, दैट आई एम overwhelmed with my son, so I'm really very happy and thank you guys for all your love and support, kyunki hum agar yahan hain to aap log ki wajah se hum yahan hain, thank you and keep appreciating us, thank you, thank you. Yeah.
मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये मेरा पहला अवार्ड नाइट है और मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी कि मैं अवार्ड नाइट कभी तो अवार्ड्स में जाऊँ, और आज जब मैं जी कुटुंब में जुड़ चुकी हूँ और इन्हीं का अवार्ड फंक्शन है तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बट एट द सेम टाइम मैं नर्वस भी हूँ क्योंकि परफॉर्मेंस है, क्या सब होने वाला है मुझे कुछ नहीं पता, तो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने के लिए मैं बिल्कुल रेडी हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस कि 30 ईयर्स हो चुके हैं, और मैं अपने आप को भी बहुत ज़्यादा क्या बोलूँ, मैं खुद भी बहुत खुश हूँ कि मैं उनके 30 ईयर्स पे मैं भी उनका पार्ट बन चुकी हूँ, तो काफ़ी खुशी का मौका है मेरे लिए भी। थैंक यू सो मच। अब राधा है तो वही लहंगा है, वही ज्वेलरीज हैं, वही चोटी है, बट एट द सेम टाइम उस चीज़ में थोड़ा सा मॉडिफाई किया है क्योंकि अवार्ड नाइट्स है ऑब्वियसली, तो थोड़ा तो राधा भी सज धज कर आएगी सबकी तरह, तो यस वही है। सोचा नहीं था कि आप सब इतना प्यार देंगे, ऑडियंस इतना प्यार देगी, बट हाँ बाकी बिहार जी का आशीर्वाद है और आप सबकी ब्लेसिंग्स और प्यार इतना आ चुका है कि हमें तो ऐसा लगता है कि और भी मेहनत करें आप सबके लिए, आप सबको और अच्छे एपिसोड्स दें, इसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब क्या होगा, अब इधर आना है, आ जाओ आ जाओ। हाँ इधर ओके सुनिया ओके थैंक यू एक बड़ा भाई। अच्छा हाँ ठीक है। वेरी एक्साइटेड बिकॉज पहली बार तो 30 साल पूरे हो रहे हैं जी को, मैनी मोर इयर्स टू गो, हम हर साल मनाएंगे ऐसे ही, बट रियली एक्साइटेड अबाउट 30 इयर्स। एब्सोल्युटली, एक्चुअली जब जी शुरू हुआ था तो जो पहले सीरियल्स आए थे तब जी में, उसमें फॉर्चुनेटली मेरा भी एक शो था और वो था दरार, और लेक टंडन जी ने डायरेक्ट किया था, तो तब से मैं जुड़ा हूँ जी के साथ और आज मुझे भी जी के साथ 30 साल हो गए। सो इट्स अ वंडरफुल जर्नी, तब सोचा नहीं था कि इतना लंबा हमारा सफ़र होगा, और तब से लेके अब तक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म सारे कलाकारों को मिलता है, और आज के जो हमारे एक्टर्स हैं वो इतना अच्छे से परफॉर्म करते हैं, और टैलेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड जो सपोर्ट मिलके कितना आगे बढ़ते हैं लोग, और उनकी जो समझ लीजिए उनका करियर कितना बूस्ट होता है, एंड दैट्स वंडरफुल, सो दैट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म। ऑल थैंक्स टू यू दर्शकों, आप लोग ने हमारे कॉन्सेप्ट को और हम सबको सराहा और हमें इतना प्यार दिया और हम सबको, है ना। एब्सोल्युटली, मतलब थैंक यू। हम तो पूरी कोशिश करते हैं कि जो भी सीन्स हैं, जो भी सिचुएशंस हैं, उसमें दिल लगा के अच्छे से काम करें, बिलीवेबल काम करें, लेकिन हमारी पूरी टीम, क्रिएटिव्स, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स, सब लोग बहुत मेहनत करते हैं, एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू के शो हमारा चलता है, इज ऑल बिकॉज ऑफ द ऑडियंस, सो थैंक यू वेरी मच। हाँ, चेंज को आप किस तरह से देखते हो?
हाँ, जिस तरह से मैं सोच रहा था कि जैसे मैं पहले जो हमने शोज़ किए 30 साल पहले, वो तो अब हमें उनकी झलक भी देखने को नहीं मिलती, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे ये Z5 आ गया है तो सारे शोज़ हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड जा रहे हैं, और अगर परफॉर्मेंस की भी बात करें तो अब वो OTT पे समझ लीजिए कि एक तरह से रजिस्टर हो रहा है, तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि हमारे शोज़ जो हैं वो अब ताज़ ज़िंदगी आने वाली जनरेशन भी देख सकती है। और प्लस पॉइंट ये भी है कि जो शोज़ हमें जी पर पसंद है, इंक्लूडिंग आ शो, अगर हम मिस कर जाते हैं बिकॉज वी शूट डे नाइट, तो अगर हम मिस कर जाते हैं तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैक ऑफ द माइंड हमको पता है कि हम कभी भी इवन ऑन सेट और नॉट ऑन सेट और एट होम हम कभी भी कुछ भी करके उसको देख सकते हैं, हमारे पास एक बैकअप तैयार है, दैट इज Z5। एंड थैंक यू सो मच फॉर इंट्रोड्यूसिंग दिस ऐप। या थैंक यू। आई थिंक मैं फेवरेट बेटा की कैटेगरी में नॉमिनेटेड हूँ, एंड फेवरेट बेटा, बेस्ट शो, बेस्ट कुटुम, बेस्ट एक्टर, बेस्ट जोड़ी, एंड या ये 4-5 कैटेगरी तो हैं जिसमें मैं हूँ जितना मुझे पता है, बाकी का आइडिया नहीं है मुझे। जिस हिसाब से हमने शो पे मेहनत की है, जिस हिसाब से हमारा शो चल रहा है, एंड आई थिंक वी डिज़र्व ऑल द अवार्ड्स विच वी हैव बीन नॉमिनेटेड फॉर। हम तो यही चाहते हैं कि हर एक अवार्ड हमें ही मिले, एंड होपफुली मिलेगा भी, बिकॉज वी हैव रियली वर्क हार्ड फॉर इट एंड वी डिज़र्व इट। हैप्पी बर्थडे टू जी, 30th बर्थडे, एंड हमने पिछले नॉमिनेशन पार्टी में आई थिंक कट भी किया था केक फॉर जी, so it's a very good moment for me also that I'm working with Z when it's the 30th birthday, so really grateful for it. Reels to bana rahe hum log, insta abhi tak banaye nahi hai, ha to kafi maza aa raha hai reels banane mein, kafi acha lagta hai jab hamare reels itna acha kar rahe hain, like people are actually liking our reels, आर केमिस्ट्री इन द शो, सो इससे अच्छी कोई और बात हो नहीं सकती कि लोग हमें इतना प्यार दे रहे हैं, सो रियली ग्रेटफुल फॉर इट, थैंक यू। After the photos.
take you to stage for that award that you're presenting. Okay. So after this, we take you. Yeah. But okay. She said wait. You have about 10 minutes. I'm right. Okay. I'm right. Yeah. देखिए मैं मिस बहुत करती हूँ अपने कैरेक्टर को. आप जो भी कोई कैरेक्टर प्ले एक बार कर लेते हो ना तो उसका कुछ ना कुछ अंश ऑफ कोर्स आपके अंदर रह जाता है, क्योंकि आप अपना भी एक यू नो हम एक कैरेक्टर में तो जाते हैं, हमारा भी एक पार्ट उसमें रहता है उस कैरेक्टर में, तो वो हमारी इतना बैठ जाता है हमारे अंदर कि समटाइम्स यू मिस बीइंग दैट कैरेक्टर. सो जिस दिन मुझे पता चला था कि ओके अब गुड्डन जा रहा है, तो उसी दिन से ऐसे लगा था कि अभी मैं ये गुड्डन वापस से नहीं बन पाऊंगी. तो वो आई थिंक वो मिसिंग तो हमेशा लाइफ टाइम रहती है. यू प्ले वन कैरेक्टर एंड देन यू फील कि ओके नाउ दैट्स इट, हो गया ये. सो यू ऑलवेज मिस दैट, बट ऑफ कोर्स लाइफ इज़ अबाउट मूविंग फॉरवर्ड. सो आई होप कि मैं आगे भी सबको एंटरटेन कर रही हूँ एंड मैं ऐसी ही कोशिश करती रहूँगी सबको एंटरटेन करने की. एंड ऐसे ही हम कैरेक्टर्स को मिस करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे एंड विल ट्राई आवर बेस्ट कि ऐसी ही जनता प्यार करती रहे. देखिए बिल्कुल मेरी कोशिश ऑफ कोर्स चल रही है कि मैं आगे नए शोज लेकर आऊँ आपके सामने, लेकिन अब वो क्या लेकर आनी वो ट्रस्ट में मुझे भी नहीं पता. आई कांट इवन से कि अच्छा दैट्स अ सरप्राइज एंड आई एम गोना रिवील इट सून, मुझे भी नहीं पता है. थिंग्स आर गोइंग ऑन, बातें चल रही हैं, चीज़ें चल रही हैं, बट या क्योंकि हर बार आपकी कोशिश रहती है कि कुछ ऐसा करें कि यू नो आपकी ऑडियंस आपको एक्सेप्ट करे, खूब सारा प्यार दे, तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि कुछ ऐसा ही चूज़ करूँगी. एंड या लेट्स सी, देखो ऐसे सिर्फ जी की बातें करते हैं. जी को हैप्पी बर्थडे जी, आज 30 साल हो गए, ऐसे ही 100 साल भी होंगे एंड मैं उम्मीद करती हूँ मैं ऐसे ही जुड़ी रहूंगी. सो हैप्पी बर्थडे जी. ऐसे डरा दिया मुझे. मैं आई थिंक 12 साल पहले आई थी जी रिश्ते अवार्ड्स में और अब आ रही हूँ. तब मैं दुल्हन कर रही थी, अब मैं संजोग कर रही हूँ. तो संजोग की बात है कि जी को 30 साल पूरे हुए हैं और जी के साथ मैं दोबारा जुड़ी हूँ. जिस जी ने मुझे सिंदूरा का टैग दिया था उसी जी में अब गौरी बन के आई हूँ. जी को बहुत बहुत मुबारक और अब 30 साल पूरे हुए हैं. उम्मीद करती हूँ कि हम 50 साल भी जल्दी पूरी करें और फिर उसके 60-70-100. बहुत ही बढ़िया मिल रहा है और ऐसा कैरेक्टर मैंने कभी पहले किया नहीं है. तो सब ये कहते रहते हैं कि बहुत एंटरटेनिंग है. बहुत स्टंट्स भी किए हैं मैंने, बहुत मारामारी कर रही हूँ, बहुत पिटाई कर रही हूँ. और जंगल में हम मतलब घास भी काट रहे हैं, वो सर पे बोरियां भी लेके चल रहे हैं. सो इट्स टू मच ऑफ फन, बहुत एंटरटेनमेंट है, बहुत ड्रामा है, गेटिंग अमेजिंग रिस्पांस. थैंक यू सो मच. मेरी आदत है मैं हमेशा एक पर्सनल टच देती हूँ अपने किरदारों को एंड इसलिए मैं थोड़ी अपनी खुद की शॉपिंग कर लेती हूँ फॉर माई कैरेक्टर्स. सो जैसे ये थोड़ा सा पर्सनल टच देता है, लाइक दिस गिव्स अ लिटिल ट्रेडिशनल ये वो. तो यस, तो आई थिंक मेरे ये जो भी आपने मुझे कहा कि मैं प्यारी लग रही हूँ, थैंक यू सो मच, उसका पूरा श्रेय मैं अपने आप को देती हूँ क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ इसके पीछे. हमारे पूरे परिवार ने डिसाइड किया है, हम सुनहरे हैं. हम सुनहरे हैं, करेक्ट. सर से संजोग, सर से सुनहरे, तो हम सुनहरे बने. सर से सुंदर,
यस थैंक यू सो मच थैंक यू स्वस्थ भी यार जरूरी है बिल्कुल थोड़ा सा डर था क्योंकि एक अलग किरदार है मैंने नहीं किया है कभी ऐसा तो थोड़ा डर लग रहा था कि पता नहीं ठीक से कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी पता नहीं ऑडियंस एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी लेकिन जैसे कि आपने कहा इंस्टेंटली वो एक्सेप्टेंस भी आया इतना प्यार भी मिला और बहुत एंटरटेन भी हो रहे हैं तो मैं उम्मीद करती हूँ कि गौरी के ज़रिए अपने ऑडियंस को हमेशा एंटरटेन करते रहूँ और ऐसे ही स्टंट करते रहूँ और ऐसे ही ड्रामा और उछल कूद करते रहूँ बहुत कर रही है बहुत हम जो चाह रहे थे वो हो रहा है तो अच्छी बात है मतलब किसी को भी अच्छा लगता है कि जो तुम काम कर रहे हो उसको उसी लेवल पे अप्रिसिएशन मिले एंड एज एन आर्टिस्ट इट्स आवर जॉब टू मेक श्योर दैट वी डू जस्टिस टू व्हाटएवर कैरेक्टर वी आर सपोज्ड टू पोर्ट्रे तो कर रहे हैं यार अपनी तरफ से मेहनत और प्यार मिल रहा है तो और अच्छा लगता है और मेहनत करने का यस हम बहुत धूप में काम करते हैं बहुत पसीना आता है हम जमीन पे बैठ जाते हैं सच में हम जमीन पे बैठ जाते हैं हम जंगलों में भागते हैं इतने कीड़े मकोड़े होते हैं ये वो बट सच बताऊं जब आप सबका प्यार मिलता है ना तो वो सारी चीजें हमें छोटी लगती है तो आप ऐसे ही प्यार देते रहिए हम ऐसे ही धूप में काम करते रहेंगे लिटरली मैं ये कहती हूँ कि जब शूट के बाद जब मैं घर जाती हूँ तो ऐसा आज पसीने की कमाई है सच में तो सही मायने में पसीने से खून पसीने की कमाई है ये हमारी कमाई से मेरा मतलब है ये जो हम आप लोगों का प्यार कमा रहे हैं ये ये आप इनको बोलिए कि देखो हम नए हैं तो क्या हो गया हम सारे ले जाने हाँ। तो यार और अगर नहीं देंगे तो चुरा लेंगे यार। नहीं नहीं चुराना वराना नहीं है नहीं इसको अर्न करेंगे और हम बहुत मेहनत कर रहे हैं आप इन लोगों को बोलिए कि हमें भी कुछ ना कुछ तो दे ही दे आई थिंक आई एम नॉमिनेटेड इन बेस्ट माँ कैटेगरी सो आज मैं अपनी बेटी को भी साथ लेकर आई हूँ वो बहुत एक्साइटेड है बिल्कुल आप मुझे यहाँ आने के बाद पता चला कि मैं नॉमिनेटेड हूँ लेकिन हाँ मैंने सोचा कि संजोग जो ये दो माओं की कहानी है तो जब एक ऐसा मंच है आज हम इस हम जी कुटुंब को सेलिब्रेट कर रहे हैं सो आई वांटेड हर टू नो कि यहाँ से उसकी माँ ने अपनी जर्नी शुरू की थी थ्रू दुल्हन सो यस थैंक यू थैंक यू थैंक यू यहाँ पे भी एक मिनट आ रही है